नमस्कार बच्चों, कक्षा 10 एक्सरसाइज 6.2 का प्रश्न 3 हम करने जा रहे हैं। बच्चों, प्रश्न को ध्यान से देखना और एक एक स्टेप को ध्यान से समझना, बाद में बहुत सारी खिचड़ी बनेगी। शुरू से आप एक एक करके चीज समझेंगे, आपको बहुत आसानी से ये प्रश्न समझ आएगा। बड़ा मजेदार प्रश्न है। देखिए, प्रश्न के अनुसार 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु P और Q लीजिए। इन दोनों बिंदुओं से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचिए। पहले मैं आपको समझा देता हूं कि प्रश्न है क्या, उसके बाद फिर हम इस प्रश्न को करके देख लेंगे। सबसे पहले देखो, हमने 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेनी है और उसके हिसाब से बनाना है एक वृत्त। इसके बाद इसके इस व्यास को दोनों तरफ ऐसे बढ़ा लेना है। इस केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी इधर और 7 सेंटीमीटर की दूरी इधर लेनी है। दो बिंदु ले लेने हैं P और Q। अब इन दोनों बिंदुओं से दो स्पर्श रेखाएं यहां बनेंगी और इस बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं यहां बनेंगी। ये प्रश्न है, बाकी हम इसको धीरे धीरे से करके देखते हैं। तभी कहा, बाद में बहुत सारी खिचड़ी बन जाएगी, फिर आपको लगेगा प्रश्न तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन ऐसा है नहीं। प्रश्न बहुत आसान है, बस हम इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। आइए शुरू करें। सबसे पहले 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। तो मैं सबसे ही पहला काम क्या करता हूं कि हम एक वृत्त का केंद्र लिया A, अरे डी नहीं चाहिए, हम 3 सेंटीमीटर की एक रेखाखंड बनाते हैं। देखिए, यह है शून्य, ये एक बिंदु लिया और ये लिया है 3 सेंटीमीटर, इस प्रकार से। तो एक रेखा खींची है मैंने, रेखाखंड खींचा है 3 सेंटीमीटर का, और इतनी ही त्रिज्या लेकर हम एक सबसे पहले वृत्त बनाते हैं। देखिए, ये मैंने 3 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचा है। वृत्त के केंद्र का नाम रख दिया है O, इसका नाम कुछ भी हम लिख सकते हैं, R लिख दिया है अभी। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं। अब हमने इसका व्यास लेकर उसके बढ़ाना है, दोनों तरफ बढ़ाना है व्यास को। ठीक है, तो ये मैंने लिया स्केल और इस प्रकार से इस व्यास को दोनों तरफ अनलिमिटेड बढ़ा दिया है, असीमित रूप पर बढ़ा दिया है। अब हमने देखिए, इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर, यह बढ़ाया गया व्यास है, व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु P और Q लेने हैं। केंद्र से 7 सेंटीमीटर इधर, 7 सेंटीमीटर इधर, हमने दो बिंदु लेने हैं। तो हम क्या करेंगे, 7 सेंटीमीटर एक प्रकार लेकर खोलेंगे। देखिए, यह है 7 पे मैंने केंद्र लगा, इसको 0 तक खोल लेता हूं। ये मेरी प्रकार की त्रिज्या मैंने फुट्टे की मदद से देखिए 7 सेंटीमीटर खोली है। ठीक है बच्चों, अब केंद्र से ना, केंद्र है 0 O, तो O से 7 सेंटीमीटर दूर इधर एक आर्क लगा दो, चाप लगा दो, और 7 सेंटीमीटर दूर ही इधर भी एक चाप लगा दो। ये जो दो बिंदु आए हैं केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूर, इनका नाम लेना है P और Q। यहां लिख देते हैं, ये बिंदु है Q, ये बिंदु है P। अब हमें करना क्या है, P से O पर दो स्पर्श रेखाएं खींचनी है, Q से O पर दो स्पर्श रेखाएं खींचनी है। तो बच्चों, सबसे पहले हम P वाला करते हैं, Q वाला बाद में करेंगे। ओके, अब सबसे पहला काम क्या था, याद है आपको, सबसे पहले P और O को ज्वाइन तो किया ही हुआ है, इनका लेना है हमें लंब समद्विभाजक। तो ये मैंने आधी से ज्यादा खोली,
आधी से ज्यादा प्रकार खोल के एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे लगाई है, उतनी ही त्रिज्या के साथ बिंदु O पर रखेंगे, एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे लगाएंगे। ये अभी मिल नहीं रही है तो वापिस P पर रखकर इसको दोबारा इस चाप को लगा लेंगे ताकि ये दोनों चापें आपस में मिले। अब क्या करना बेटो, अब ये दोनों चापे यहां मिल रही हैं, एक बिंदु हमें यहां प्राप्त हो गया, एक बिंदु हमें यहां प्राप्त हो गया, इन्हें हम आपस में ज्वाइन कर देंगे। इस लाइन की हमें सिर्फ मध्य बिंदु के लिए जरूरत है, इसलिए इसको डॉटेड बनाते हैं इस प्रकार से। इससे PO का हमें मध्य बिंदु M प्राप्त होगा। अब क्या करना है, याद है ना आपको, M को केंद्र मानना है और MP जितनी त्रिज्या खोलनी है और वृत्त बनाना है। आप देखेंगे कि ये O से होकर गुजरेगा, ठीक है बच्चों, हो गया ना, देखो O से भी गुजर रहा है। यह जो वृत्त है ये पहले वाले वृत्त को दो बिंदुओं पर मिलेगा, है ना, ये दो बिंदु हैं, एक ये और एक ये। तो हम क्या करेंगे, P से इस वृत्त पर ये दो बिंदु जो हमें प्राप्त हुए हैं जिन पर ये नया वाला वृत्त टच हो रहा है, यहां पर दो रेखाएं बना देंगे हम इस प्रकार से, इन्हें हम ज्वाइन कर देंगे आपस में और P बिंदु से इस बिंदु को भी आप ज्वाइन कर दोगे, ठीक है बच्चों। तो देखो इस बिंदु का नाम दे दो K, इस बिंदु का नाम दे दो L। तो PK और PL ये दो स्पर्श रेखाएं P बिंदु से आ गई इस आपके मेन वाले वृत्त पर। इसी प्रकार से हम यह प्रक्रिया Q बिंदु से भी दोहराएंगे। अभी आपको यह ना समझ आया हो तो आप या तो वीडियो को पीछे जाकर देख सकते हो कि हमने क्या क्या किया, या फिर Q में भी समझ सकते हो, जैसा Q से किया वैसे P से करना है, या मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं कि जो जो हमने अभी P से किया वही हम Q से भी करेंगे। तो मैं आपको धीरे से फिर से समझाऊंगा अभी, ठीक है बच्चों। हमने क्या करना है, सबसे पहले ओ क्यू, सबसे पहले बच्चों हमने ओ क्यू का लंब समद्विभाजक बनाना है, ठीक है। और उसके लिए हमें क्या करना होगा, ओ क्यू का लंब समद्विभाजक, ओ पे मैंने पिन रखी, प्रकार रखी, आधी से ज्यादा प्रकार खोलनी है, एक चाप ऊपर लगेगी, एक चाप नीचे लगेगी, इतनी ही त्रिज्या के साथ पेज को घुमाया, क्यू पर केंद्र मानना है, पिन रखनी है और एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे लगानी है। अब हम क्या करेंगे, यहां पर भी हमें देखो इन चापों को मिलाने से ये यहां एक बिंदु आया और यहां एक बिंदु आया, इन दोनों बिंदुओं को हम आपस में जोड़ देंगे। तो आइए इन्हें जोड़ते हैं हम, इस प्रकार से। इससे हमें O और Q का मध्य बिंदु यहां प्राप्त होगा। इस मध्य बिंदु को M लिया था, इसको N ले लेते हैं। अब हमें क्या करना है बच्चों, N को केंद्र मानना है। अब एक एक चीज बच्चों ध्यान से सुनते रहो, ना समझ आए आपके पास तो एडवांटेज है, कोई क्लास तो है नहीं कि आपको नहीं समझ आया ना, सी वीडियो को पीछे ले जाओ दोबारा देखना शुरू कर दो, फिर पीछे ले जाओ दोबारा देखना शुरू कर दो। अब हमने यह पिन N पर रखा, O का मध्य बिंदु है ये, ओपी का ओ क्यू का मध्य बिंदु है, तो त्रिज्या को एन ओ जितना खोलो और एक वृत्त बना दो। आप देखोगे ये क्यू से भी पास होगा, होगा ना, तो इस प्रकार से एक और वृत्त आ गया। इस वृत्त से क्या होगा बच्चों, आपका मेन वृत्त है ये पहले वाला हरे वाला, यह हरे वृत्त को ये जो अभी नया वृत्त हमने बनाया ये दो बिंदुओं पर काट रहा है। देखो एक बिंदु है ये जहां पर हरे बिंदु और ऑरेंज वृत्त मिल रहे हैं, और एक है ये हरा और ऑरेंज वृत्त यहां मिल रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो इस बिंदु का हम कुछ भी नाम लिख देते हैं, मैं इसका नाम लिख देता हूं मान लो एस इस बिंदु का, और इस बिंदु का नाम लिख देता हूं टी। तो अब हम Q से S को ज्वाइन करेंगे, तो हरे बिंदु पर ये एक स्पर्श रेखा होगी, ये देखो, और Q से T को ज्वाइन करूंगा तो QS और QT ये दो स्पर्श रेखाएं Q बिंदु से हो गई, PK और PL ये दो स्पर्श रेखाएं
पी बिंदु से इस हरे वाले वृत्त पर हो गई। तो देखा, मैंने कहा था ना आखिर में बहुत सारी खिचड़ी बन गई। हालांकि आप देखो मैंने अलग अलग कलर्स यूज करें, ब्लैक, ब्लू, पिंक, ऑरेंज, ग्रीन, सो दैट आपको सारी चीजें अलग अलग दिखाई दें। ये ग्रीन वाला आपका पहले वाला वृत्त है, ठीक है। ऑरेंज वृत्त हमने बनाए थे सिर्फ मध्य बिंदुओं को लेकर, और इन ऑरेंज बिंदुओं से ग्रीन वृत्त को काटकर आपको दो वृत्त मिले हैं, दो बिंदु मिले हैं जो पी से ज्वाइन करने पर स्पर्श रेखाएं बनाएंगे, और दो बिंदु मिले एस और टी जो कि क्यू से ज्वाइन करने पर स्पर्श। तो इस प्रकार से पी से इस वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं, क्यू से इस वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हमने बना दी है। आशा करता हूं मेरी ये जो अलग अलग कलर से करने वाली मेहनत है ये आपको बहुत अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, और अच्छे लगने या पसंद आने से जरूरी है समझ आई होगी। तो जहां से भी आपको ये वीडियो ना समझ आए वहां से आप इन्हें थोड़ा सा पीछे ले जाकर वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, और इस प्रश्नावली के बाकी वीडियोस को, बाकी प्रश्नों को समझने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वहां पर बाकी प्रश्नों के वीडियोस देख सकते हैं और उन्हें अच्छे से समझ सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।